हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की वीडियो होने वाली है मेरी न्यूड लिपस्टिक की कलेक्शन पे, जो मेरी फेवरेट न्यूड लिपस्टिक्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं न्यूड लिपस्टिक्स यूज़ करती हूँ, और ये जो 6 लिपस्टिक्स हैं, दीज ऑल आर माई फेवरेट। ठीक है, तो मैं आपके साथ इनके ब्रांड नेम्स भी शो करूँगी, इनका शेड भी शो करूँगी, और मैं आपके साथ स्वाचेस भी करके दिखाऊँगी इनके। अभी डे लाइट है तो हम डे लाइट के स्वाचेस दिखाएंगे, और इसके अलावा मैं आपको जो रिंग लाइट है उसमें भी इनके स्वाचेस दिखा दूँगी। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके साथ। ये है एस्टी लंडन की सेंशल लिप्स इन द शेड स्कैंडल मेकर। ठीक है, और ये मेरा पहला परचेज था जो मैंने न्यूड लिपस्टिक परचेज़ की थी। वो सबसे पहले मैंने ये वाली परचेज़ की थी बैक इन 2021 आई गेस, और 2020। तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट न्यूड लिपस्टिक है। मैं इसकी प्राइजेस भी साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी, और इनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट, इसको स्वाच करते हैं। दिस एज यू कैन सी कितना प्यारा कलर है, बहुत बहुत प्यारा। ये सबसे फेवरेट है, ये मेरी नंबर वन है ये वाली। ओके, नेक्स्ट वी हैव ये ब्यूटीफाई बाय आमना, और ये भी काफ़ी रीजनेबल है। ये सारी जो मैं आपको दिखा रही हूँ सिवाय इसके, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अदरवाइज बाकी जो मैं आपके साथ शो करूँगी वो बहुत ही अफोर्डेबल हैं, और इन इनकी ब्रांड्स पे अक्सर सेल भी लगी हुई होती है। ब्यूटीफाई बाय आमना पे तो हमेशा सेल होती है, तो मैंने जब भी परचेज़ किया है तो मुझे अच्छा डिस्काउंट मिला है। और आप किसी ब्लॉगर का कोड वगैरह यूज़ कर लें तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, ये जो शेड है इट्स 12 स्किन। ठीक है, ये थोड़ा सा ये सारे वैसे ब्राउन शेड पे ही है ये। अच्छा, न्यूड साइड पे अगर बात करें तो मुझे ब्राउन टोन में ज़्यादा पसंद है, लाइक ब्राउन मॉफ टोन जो होती है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे पिंकिश टोन में इतने ज़्यादा न्यूड शेड पसंद नहीं है। ये देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा डार्कर साइड पे आ जाता है, ये वाला जो है इससे अगर हम कंपेयर करें तो ये थोड़ा डार्क है। अगर आपको ब्राउन टोन में ही थोड़ा सा डार्कर शेड चाहिए तो यू कैन गो विद दिस वन, बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, देन वी हैव अगेन ब्यूटीफाई बाय आमना। ये इनकी आई डोंट नो, ये 24X कलेक्शन थी इनकी कोई, उसमें से इनका शेड है बफ पिंक। ये मैंने पहली दफ़ा परचेज़ किया था, ठीक है, एंड आई एम लविंग इट। ये मेरी गो टू लिपस्टिक है, ये मेरा गो टू शेड है। ये वाला मैं 2 से 3 बार, ये मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं परचेज़ कर चुकी हूँ। अभी मैं पाकिस्तान से ये दोनों लेके आई थी, लेकिन मैं इतना इस्तेमाल कर चुकी हूँ ये तीनों, जो मेरी ख़त्म होने वाली हैं ये सारी। ठीक है, मैंने दोबारा भी ली थी, मैं इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अब इसका स्वाच करते हैं। यार ये बहुत प्यारा शेड है, बहुत बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये थोड़ा सा ना थोड़ा सा पिंक साइड पे जाता है, ये थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन ये ब्राउनिश टोन में है और ये थोड़ा सा पिंक साइड पे आता है। ये थोड़ा सा पिंक पिंक शेड है इसका। गर्ल्स कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्कर है ब्राउनिश टोन पे, ये थोड़ा सा पिंकिश टोन पे जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस। ये मैट नहीं है, ये ग्लॉस है। ठीक है, और इसका शेड है 06। ये भी बहुत प्यारा शेड है इसका, ये देखिए। कैन सी हाउ प्रिटी इज दिस। नाउ दिस वन, ये भाई सुपर अफोर्डेबल, दिस इज ग्लैमरस फेस। और इसका शेड क्या था, शेड मैं ऑनलाइन मेंशन कर दूंगी, देख के आप लोगों को इसका शेड, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि ये मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ और ये एज यू कैन सी ख़त्म होने वाली है। ये भी मैं 2-3 दफ़ा मंगवा चुकी हूँ। आई डोंट नो इसका शेड 09, और आई डोंट रिमेम्बर मैं, लेकिन आपको देख के बता दूंगी। ठीक है, और ये जो है ना भाई, ये तो कमाल का शेड है, ये बहुत प्यारा शेड है। ये थोड़ा सा लिक्विड होता है, मतलब जब आप अप्लाई करते हैं, लेकिन ये
ड्राई हो जाता है थोड़ी देर बाद। नाउ दिस वन, ये मैंने अभी परचेज़ किया है, मुझे काफ़ी टाइम से मैंने बड़े रिव्यूज़ सुने थे इसके। ये है निक्स का इन द शेड अबू धाबी, अबू धाबी यस। तो भाई ये इसके मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने थे और मुझे ये लेना था, तो ये फाइनली मैंने यहाँ पे आके लिया है। मैंने अपनी वीडियो में दिखाया भी था आप लोगों को, मेकअप हॉल वाले वीडियो में। ये देखें कितना खूबसूरत शेड है ये। Now let's see सारे swatches. Okay, you can see in the ring light. ये shades हैं सारे और ये सारे मेरे favorite shades हैं। So yes friends, that's it for today. And I hope you like the video. अगर कोई भी इससे related सवाल है या आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की और videos बनाऊँ तो मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा। That's it. एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।